ओए ओए ओए, राजी का गेम प्ले आ चुका है भाइयों। राजी कहाँ कहाँ हम खेल रहे हैं? हम इस टेंपल में हैं, देखते क्या हुआ आगे। पता नहीं, अजीब से टेंपल में फंसे यार। अगर हिरण्य के महारथी हिरण्य रक्षक वे परेशान है, कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियां भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। पीएम आई बाय बाय। अयो, अरे भाई यार, ये तो बॉर्डर लगा होना चाहिए भाई। इतने स्टूपिड दिन की वजह से मर जाते हैं सारे कसम से। अयो, इसे करो बिल्कुल वहां पे डालता हूँ एक को। बॉम बाम बारा बॉम। अरे जाना किधर है? यहाँ पे जाना है क्या? हमें आइडिया नहीं है। यहाँ पे जाना है। आई मैं इतना अच्छा कैसे हूँ इन गेम, मेरी गेम सम तो जीरो है। अयो यार, और भ्रष्टाचार, उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। अरे हो गया भाई, तुक्का गया सही मतलब। आए चलो तुक्का गया सही, फुल स्क्रीन कर लेते अब बात पे। वो क्या था? इसे गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। होगा ठीक है राजी, ध्यान करती बैठी है देखना। अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है। टावल है ये, कब आया अब? ये अभी आया है, अब यहाँ से हमें जाना किधर है? अरे अंधे होके चलेगा। ओके ये भी ठीक है।
अब मुझे कमजोर मत समझना। ओके ओके, मैं समझ भी नहीं रहा भाई आपको। तुम ही भाई तुलसी ग्रेट है, ठीक है? ये छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है, ये कौन घुसपैठ लिया है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? एक लेकर चले वहां पे जाना है, चलते हैं। ओके वहां पे चलते हैं, अब मुझे पता लग गया ना। और बुराई की हार हुई। भाई ये तो तीन का है, अबे तीन बार दबाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक दो तीन मैं बस कर दूंगा, भाड़े में जाइए गेम क्या, गेम एक साथ दबा दूंगा मैं। टाइमिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक दो तीन, दो में होगा ऐसे शायद। यहाँ से भी जा सकते हैं, अरे नहीं जाना। ऑटो सेव का सही अब यूज कर रहा हूँ मैं भाई। यहीं से गाना है और यहाँ से तो हम आए थे, लेकिन यहीं पे गाना है। ओके भाई पसंद से मुझे पसंद से उतारो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? और पहले यहाँ पे कुछ पास करना है, करना क्या है हमें? अच्छा लाइन में लाना है हमें। ओके ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा, उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगदा को पता नहीं लगना चाहिए। पता है भाई उसे,
भाई विलन है ऐसी थोड़ी, ये लिफ्ट है इससे हम आएंगे शायद। पजल मास्टर बोलते हम वहां पे आगे वापस है अभी, ओ हमें चलाने अब। यहाँ पे आ गया, हमें इसको ऊपर जाके लिफ्ट चलानी है, फिर पता नहीं क्या बाढ़ आएगी क्या। अच्छा अब हमें साइड का करना है क्या, क्लियर हो गए भाई, मैं नहीं कर रहा इतना भाई, इतना भर के मुझे लगा सिर्फ चक्का चलाना है बस इस तरफ का, बट फसल के ऊपर ही इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी तो बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई मैं ये फेस कैम बंद कर रहा हूँ, जब देखो बंद हो जाता है तो फेस कैम बंद रहेगा भाइयों, फेस कैम में दिक्कत आती है कंट्रोलर उसका बंद ही रखते, वैसे भी यूट्यूब वाले इतने वो नहीं है, खुश नहीं है मेरे फेस कैम से। मोए मोए ओम बैम बारा बार एक हो जाएगा आई थिंक से। अयो बच गया, अरे अब मुझे वैसे पता लग गया मैंने ऑटो से वहीं पे। एक सेकंड वहां पे देख के आ जाता तो हूँ एक बार, यहाँ पे है ना ओके, यहाँ से कहीं और जाने का है, पहले अभी इसे करते हैं टास्क को कंप्लीट हम। ओके अगेन जी था, ठीक है। लेकिन हमारा क्या दीदी, हमारे माता पिता क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाई वे वहाँ हैं तारों के बीच। बॉस फाइट करवाएंगे, बॉस फाइट तो क्या ही है इस गेम में। अरे घटिया इंसान, दिमाग खराब, बदतमीज। बैम बारा बॉक्स, यहाँ पे जाना है। ए हाँ डोंट टेल मी हमें यहाँ से जंप करना ऑल द वे। क्या जंप नहीं कर रहा है एक तो यार, ये ना घटिया है तो हुआ है ये। ओके भाई इतना पार्कोर करवाते क्यों हो मुझसे, सारे और में मिलवाए। Okay.
साइड को साफ है सारा। डोंट टेल मी हम यहाँ पे नहीं आ सकते या मेरे साथ भगवान है। और वहां पे चल ले, यहाँ पे लंबा चौड़ा रास्ता ही ये पार कोर्स के लिए मैं पूरा एक्सप्लोर करके जाऊंगा इस यहाँ पे। बस ये चक्का घूम देना तो पानी शायद आएगा। नहीं ये खत्म हो गया। ये चालाक लोगों की जगह है, ये पंचक्कियां, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती हैं, इसमें कोई शक नहीं ये चालाक है भगवान विष्णु। इसमें शक्तियां केंद्रित हैं और अब ये रंगदा के हाथों में है। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आज मैं भाई इसका ये डैम वाले सीन खत्म कर दूं। हालांकि गुस्सा सा आता मुझे जब देखो। और बुराई की हार हुई। अरे भाई ये मुझे थोड़ी सी क्रिंज है, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट या ये इसके थोड़े बहुत डायलॉग क्रिंज है राज जी के। भाई किधर से जाना है हमें? ऐसे हम चढ़ सकते ऊपर ना यहाँ से? अरे पार्कोर स्किल दिखा रही छोरी। ओ माय गॉड नहीं है यहाँ पे, मुझे लगा देख रहा हूँ देखना। अरे यार ये तो राजी बड़ी बदतमीज है सोच रही। देखना अजीब औरत है और पुगवार। यहाँ पे देर भी वो भाई क्या ही है? एक सेकंड ये क्या? मुझसे बात कीजिए, क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा है और उन्हें आजाद कराया जा सकता है। एक बार पीछे जाके देख लेता हूँ, यहाँ पे जा तो सकते हैं नहीं आपने किया। ओ श्राइन यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी कदरु और विनीता, महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कदरु ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की मां बने, विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कदरु के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कदरु ने हजार अंडों को जन्म दिया, विनीता ने बस दो अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कदरू के अंडे फूटने लगे, हर एक अंडे के अंदर एक सांप था।
विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कदरू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी, और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कदरू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज करूर। अपनी मां को दासी बना देख करूर ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि करूर स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने करूर को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। करूर अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया। यप गाइस, सो अब हम इस स्टोरी से आगे खेल रहे हैं। इस स्टोरी अब हमें करना का है ये नहीं पता हमें। अरे यो यार, ये टाइम गार्डियन से मरा मैं भाई, मरा आपको, मरा डेड हूँ मैं। अरे किधर भाई, पागल हो गया राजी भाई, ये दोनों एक साथ गए, बहुत ही बढ़िया। पर राजी बहुत पागल है कसम से। अब होने वाला है शादी वाला पॉइंट, एपिसोड पहले से बड़ा होगा होपफुली। आ गए यार, चक्के हो रहे। इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है भाई। ये और मुश्किल है बे। भाई साहब क्या है ये? तो
गया। अब मैं भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी, शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियाँ बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए। बस अब क्या बोलते मंदिर में आके। ये ओ भाई तो गाइस इस पार्ट के लिए इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक की सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। खत्म करते स्टोरी। आई थिंक ये भाई बहुत ज़्यादा लंबा एपिसोड हो जाएगा आपके लिए। मैं छोटे छोटे एपिसोड बनाना चाहता हूँ। तो बाय बाय। फाइनल हमारे पजल एंड हुए और